नमस्कार साथियों, आज का विषय है अपना पेरेंटल केयर इन फिशेज। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के लिए। उसके अलावा ये एमएससी फिश बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पेरेंटल केयर इन फिशेज। इस पर बड़ा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेज, फिश के अंदर। तो अपन इसको पूरा लिखेंगे विद डायग्राम। सबसे पहले पेरेंटल केयर का क्या मतलब होता है। पेरेंटल केयर का मतलब साथियों अपन जानते हैं कि पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा अपने बच्चों या अंडों की सुरक्षा करना जब तक कि वो सेल्फ डिपेंडिंग नहीं हो जाते हैं, पेरेंटल केयर कहलाता है। यानी लुकिंग आफ्टर ऑफ यंग वंस और एग्स अंटिल दे आर डिपेंडेंट टू डिफेंड देम फ्रॉम एनिमीज इज नोन एज पेरेंटल केयर। यानी पेरेंट्स के द्वारा अपने अंडों या बच्चों की देखभाल करना जब तक कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता है, पेरेंटल केयर कहला जाता है। पेरेंटल केयर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण फिनोमेना है, जो सभी प्राणियों में पाया जाता है। बहुत सारे प्राणियों में एडवांस प्रकार का होता है और मनुष्य में आते आते ये सबसे एडवांस प्रकार का होता है। मनुष्य यानी मनुष्य जो होता है अपने बच्चों की बहुत अंत तक देखभाल करता रहता है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, उनके बच्चे नहीं हो जाते। तो ये सारा पेरेंटल केयर है। मछलियों के अंदर पेरेंटल केयर अभी देख रहे हैं अपन, तो फिश के अंदर भी पेरेंटल केयर पाया जाता है। बहुत सारी मछलियों के अंदर पेरेंटल केयर पाया जाता है। मछलियों के अंदर एक और विशेषता है, मछलियों में ज्यादातर पेरेंटल केयर जो होती है वो मेल फिश के द्वारा की जाती है। तो मेल के द्वारा की जाती है। कौन कौन सी विधियों के द्वारा पेरेंटल केयर होता है, जब भी क्वेश्चन आता है अपन पेरेंटल केयर की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद पेरेंटल केयर किस प्रकार का होता है, क्या पैटर्न रहते हैं, क्या डाइवर्सिटी होते हैं, इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे, चार कैटेगरी बनाएंगे। तो ये चारों कैटेगरी नोट करेंगे। सबसे पहले फिश स्पीसीज विच बिल्ड नेस्ट, ऐसी मछलियां पहली कैटेगरी है। ऐसी मछलियां की जातियां जो घोंसला या नेस्ट बनाती है, कुछ मछलियां नेस्ट बनाती है। दूसरी फिश स्पीसीज विच डोंट बिल्ड नेस्ट, जो घोंसला नहीं बनाती है। और तीसरा है विविपेरिटी या जरायुषता। और चौथा है केयर और केयरिंग ऑफ यंग वंस, डायरेक्ट केयरिंग ऑफ यंग वंस। तो पहली कैटेगरी है फिश स्पीसीज विच बिल्ड नेस्ट, मछलियों की ऐसी जातियां जो घोंसला बनाती है। तो घोंसला बनाती, इसमें भी वापस हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग का पहला एग्जांपल या पहला प्रकार लिखेंगे सर्कुलर नेस्ट, कुछ मछलियां जैसे एमिया केल्वा। साथियों यहाँ पर एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जो एग्जांपल में भी जहां तक हो साइंटिफिक नेम रहेंगे। तो मेल यहाँ पर आगे देखो, मेल करता है पेरेंटल केयर। तो पहले हेडिंग डालेंगे क्या, सर्कुलर नेस्ट, यानी वृत्ताकार घोंसला बनाता है। ये डायग्राम भी बनाओगे, सर्कुलर नेस्ट है, इसमें ये मेल एमिया केल्वा जो होती है ये एक सर्कुलर नेस्ट बनाता है पानी के अंदर, और पानी के एक्वाटिक प्लांट्स के द्वारा। इसके अंदर एक या बहुत सारी, एक से ज्यादा मछलियां अपने अंडे देती है और मेल इनको फर्टिलाइज कर देता है और तब तक देखभाल करता रहता है जब तक कि इनके बच्चों से हैचिंग होकर बाहर नहीं आ जाते हैं, लार्वा या छोटी मछलियां बाहर नहीं आ जाती है। तो पहला प्रकार अपने लिख लिया हेडिंग डालकर सर्कुलर नेस्ट, एग्जाम्पल्स एमिया केल्वा होगी, ये एक्वाटिक प्लांट्स के द्वारा क्या करता है सर्कुलर नेस्ट बनाएगा और फीमेल इसमें अंडे देगी। तो इस प्रकार का हो गया। दूसरा है बेसिन शेप्ड नेस्ट होता है डार्टर फिश में, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। डार्टर फिश जो होती है ये प्रॉपर प्लेस पर एक एक्वाटिक प्लांट्स के द्वारा एक बेसिन शेप्ड नेस्ट बनाती है, जिसे डोमेन कहते हैं पत्तियों के द्वारा। और कोई भी एक फीमेल डार्टर इसके अंदर आकर अपने अंडे दे देती है और इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो दूसरा देखा था बेसिन शेप, पहला सर्कुलर शेप, दूसरा बेसिन शेप, तीसरा बैरल शेप। सबसे इंपॉर्टेंट है बैरल शेप्ड नेस्ट, मेल स्टिकल थ्री स्पाइन स्टिकल बेक फिश जो होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोर्सिव बिहेवियर बताती है। थ्री स्पाइन स्टिकल बेक फिश, ये एक डेड एक्वाटिक प्लांट्स के द्वारा एक स्टिकी सिक्रेशन जो होता है इसकी किडनी से सिक्रेट होता है, और उनके द्वारा जैसे पक्षी जो होते हैं घोंसला बनाते हैं, वैसे ये बैरल शेप्ड घोंसला बनाएगी। इसके अंदर मेल और फीमेल अपने अंडे देते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो तीसरी कैटेगरी अपन लिखेंगे बैरल शेप्ड, एग्जाम्पल थ्री स्पाइंड स्टिकल बैग फिश, गैस्ट्रोनोमियस। चौथा है फ्लोटिंग नेस्ट, कुछ जो मछलियां होती है जैसे गाइनेरोकस एक्वाटिक प्लांट्स के द्वारा एक फ्लोटिंग नेस्ट बनाती है जो पानी में तैरता रहेगा, उसके ऊपर अपने अंडे दे दिए जाते हैं मेल और फीमेल के द्वारा। तो चौथी कैटेगरी हो जाएगी फ्लोटिंग नेस्ट, पहली सर्कुलर, दूसरी बैरल शेप्ड, दूसरी जो होती है वो
बेसिन सेफ्ट, तीसरी बैरल सेफ्ट और चौथी होती है फ्लोटिंग नेस्ट। ये चारों ऐसी मछलियों की जाती है जो नेस्ट बिल्डिंग करती है। पांचवा लिखेंगे होल नेस्ट या बोरो, जो खड्डा होता है जैसे चूहे खड्डे करते हैं, वैसे ही कुछ मछलियां जो होती है जमीन के अंदर होल बना देती है और उसमें अंडे देती है, और उनसे जब तक कि छोटी मछली या लार्वा वो नहीं होंगे, वो बाहर नहीं आ जाएंगे जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये भी एक प्रकार का एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए हो गया। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने यूट्यूब व्हाट्सएप पे वीडियो भी देखा होगा, अफ्रीकन मेल अफ्रीकन जो लंग फिश होती है प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप तीन प्रकार की लंग फिश होती है, उसमें अफ्रीकन लंग फिश जो होती है प्रोटोप्टेरस, ये जमीन के अंदर ओवल पिट के अंदर अपने फर्टिलाइज एग देती है, और ऐसे बड़े बड़े अंडे होते हैं, इनको अगर ऐसे करेंगे तो इनमें से अफ्रीकन लंग फिश बाहर आएगी। तो इसके अंदर जमीन के अंदर बड़े बड़े लड्डू जैसे अंदर दबा के रखती है। फ्लोटिंग नेस्ट पहले देख ही चुके हैं। फॉर्मी नेस्ट, कुछ मछलियां जो होती है जैसे बेटा, ये में जो होती है ये पानी के झाग के द्वारा फ्लोटिंग नेस्ट बनाती है, और इन्हीं फ्लोटिंग नेस्ट पर इनके अंडे चिपके रहते हैं, तो ये फ्लोटिंग नेस्ट हो जाएगा। अब आती है पहली कैटेगरी के पांच छह प्रकार लिखने हैं, उसके बाद फिश स्पीशीज विच डू नॉट बिल्ड नेस्ट, जो घोंसला नहीं बनाती है, किसी और प्रकार से पेरेंटल केयर करती है। तो इसमें पहली कैटेगरी लिखेंगे डिपोजिशन ऑफ एग्स एट सुटेबल प्लेस। ये भी पेरेंटल केयर का एक अच्छा तरीका है कि अंडों को घोंसला नहीं बनाओ, लेकिन अंडों को ऐसी सुरक्षित स्थान पर दो जहां पर उनके एनिमी नहीं पहुंच सके। तो डिपोजिशन ऑफ एग सुटेबल प्लेस, बहुत सारी मछलियां जो होती है अपने अपने एक पर्टिकुलर मास पर देती है, जैसे पर्चिया फ्लेशन, डिपोजिशन ऑफ एग्स इन द सर्विसेज ऑफ रॉक, पानी के अंदर जो कोरल रीफ्स होती है वो सब सुटेबल प्लेस होता है, वहां पर हम अपने अंडे देना, जैसे साइक्लोप्टेरस, और डिपोजिशन ऑफ एग डेड शेल जो होते हैं, जो मोलस्का के जो प्राणी शेल होते हैं समुद्र के अंदर या फ्रेश वाटर में, उनके ऊपर अपने अंडे दे दिए जाते हैं, जैसे गोबीज मछली जो होती है ये अपने अंडे शेल के ऊपर देती है, तो सुटेबल प्लेस के ऊपर अपने अंडे देना। दूसरा है डिपोजिशन एग इन द फिश बॉडी। दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने अंडे अपनी बॉडी के ऊपर ही, फिश की बॉडी के ऊपर ही चिपका दो ताकि पेरेंटल केयर हो जाए। तो इसके अंदर है माउथ केविटी एज ए शेल्टर फॉर एग्स, बॉडी के अंदर भी सबसे प्रोटेक्टिव स्थान जो है माउथ है। कुछ मछलियां जो होती है अपने अंडों को फर्टिलाइज एग को अपने मुंह में रखती है, ऐसी मछलियों को क्या कहेंगे, माउथ ब्रीडर, माउथ ब्रीडर मछलियां कहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका टिलापिया मोजम्बिका। टिलापिया जो मछली होती है अपने अंडों को जब तक कि इनसे बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं, टिलापिया के अंदर ये काम फीमेल करती है, जबकि एरियस के अंदर ये काम मेल करता है, तो अपने मुंह में दबाते हैं, इनको माउथ ब्रूडिंग फिश कहते हैं। टिलापिया जो होती है या ओरियोक्रोमिस इसका दूसरा नाम है, मोजम्बिकस है, ये पेरेंटल केयर करती है माउथ के अंदर, और फीमेल जो होती है लेकिन इसमें अपने अंडे माउथ में रखती है। दूसरा है अटैचमेंट ऑफ एग विद बोनी हुक्स, जो इनके सिर होता है या हुक्स होते हैं वहां पर अपने अंडे दे दिए जाए। पहला था माउथ के अंदर, ये अटैचमेंट ऑफ एग विद बोनी हुक्स, इसका एग्जांपल होगा ऑस्ट्रेलियन कुर्तस, अटैच द मास ऑफ एग्स ऑन हुक लाइक प्रोजेक्शन ऑन फोरहेड, ये जो इसका सिर है यहाँ पर एक प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पर चिपका लिए जाते हैं ताकि अपने इन अंडों की रक्षा कर सके। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ इंटेगुमेंट्री कप्स, कुछ मछलियां जो होती है उसके अंदर त्वचा के अंदर छोटे छोटे कप्स पाए जाते हैं, जैसे प्लेटेस्टेस्कस, इसके अंदर इंटेगुमेंट्री कप्स होते हैं। प्लेसमेंट ऑफ एग्स इन ब्रूड पाउच, मार्सुपियल जो फिश होती है, ये जो कुछ मछलियां जो होती है उसमें मार्सुपियम या पाउच पाया जाता है, जैसे कंगारू में होता है, छोटे क्लास में पढ़ा है, बेस्ट एग्जाम्पल हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जो होता है या सिंगनेथस जो होता है उसके अंदर फीमेल ट्रांसफर एग्स इनटू ब्रूड पाउच ऑफ मेल, लेकिन ये ब्रूड पाउच किस में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा हिप्पोकैम्पस के अंदर। उसके अलावा आगे अपन देखेंगे कुछ मछलियां जो होती है विविपेरस भी होती है, आगे मर्मिट पार्ट्स बनेगा, मर्मिट फॉर्मेशन ऑफ मर्मिट पार्ट्स, कुछ मछलियों के अंदर ये डायग्राम बनाना आपको, मर्मिट पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं, ये समुद्री जो खरपतवार होती है इनके ऊपर चिपका दिए जाते हैं, जैसे शार्क जो है स्कोलोडॉन शार्क और कुछ रेज के अंदर मर्मिट पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसको
विच आर सिक्रेटेड बाय द शेल ग्लैंड्स ऑफ द ओविडक्ट, जो अंडवाहिनी होती है उसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं और ये प्लांट के ऊपर चिपका दिए जाते हैं, इनके टेंड्रिल्स जो होते हैं उसके द्वारा, और इनसे जब तक कि बच्चे नहीं आ जाते हैं। और ये देखा गया कि शार्क्स जो होती है इसके जुवेनाइल जो होते हैं इस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही कार्निवोरस होते हैं, वो दूसरे जो भ्रूण अगर एक से ज्यादा होते हैं तो उनको खा जाते हैं। तो ये मरमेड पार्ट्स कहलाते हैं। ये डायग्राम भी बनाना, एग्जाम्पल लिखना शार्क और रेज। सबसे बेस्ट है विविपेरिटी, तीसरी कैटेगरी है विविपेरिटी। पहली थी नेस्ट बिल्डिंग, दूसरी सुटेबल प्लेस पर अंडे देना, तीसरी है विविपेरिटी। कुछ मछलियां जो होती है वो विविपेरस होती है, अंडे नहीं देती है और उनसे डायरेक्ट बच्चे बाहर निकलते हैं। हालांकि विविपेरिटी मेमल्स का करेक्टर है, लेकिन कुछ मछलियां भी विविपेरस होती है, जैसे स्कोलोडॉन है, काइमोगेस्टर है, इनसे डायरेक्ट बच्चे बाहर निकलते हैं, इसीलिए पेरेंटल केयर की कम आवश्यकता होती है। केयरिंग ऑफ यंग वंस, कुछ मछलियां अपने बंडों की रक्षा करती है, जिसे फैमिली सच एज गैस्ट्रोस्ट्रिडी, एक्टालुरिडी और सेंट्राक्रुडीडी डज नॉट स्टॉप विद द केयरिंग ऑफ एग्स बट ऑल्सो डिफेंड देयर यंग। इनकी अंडों की जब तक रक्षा करती है जब तक इनसे यंग वंस बाहर नहीं आ जाते हैं। तो इस प्रकार कंक्लूजन क्या निकलता है कि मछलियों के अंदर चार प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो जिनसे वो पेरेंटल केयर करती है अपने अंडों और यंग वंस की, ताकि उनकी मोर्टिलिटी रेट कम हो और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए। कुछ मछलियां ऐसी है जो पेरेंटल केयर नहीं करती है, बट दे लेग इन सफिशियंट सेफर प्लेस इन लार्ज नंबर। ज्यादातर एक तो अंडे ज्यादा संख्या में दो, ताकि कुछ मर जाए तो कुछ तो बचे, और सेफ प्लेस पे दो, जैसे अपनी कार्प है। तो इस प्रकार फिशेज के अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ पेरेंटल केयर इज फाउंड, और ये आपको एग्जाम में लिखने हैं सारा कि किस प्रकार मछलियों में पेरेंटल केयर होता है, विद डायग्राम और विद एग्जाम्पल। धन्यवाद।